नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आपको नज़दीकी आधार सेंटर में जाके करेक्शन कराना होगा। तो दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र और वहाँ पर आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसमें कुछ चेंजेस हो चुका है, तो जैसे हम ओपन करते हैं देखिए यहाँ पर आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों नीचे, जैसे लॉगिन करें और यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, पीवीसी कार्ड, ये सब कुछ यानी चेंज हो चुका है। तो अगर आपको आधार कार्ड करेक्शन करना है तो ये लॉगिन करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको आधार कार्ड और ओटीपी के साथ लॉगिन करना होगा, जैसा कि वहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है। तो चलते हैं हम दोस्तों लॉगिन करें पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा भी प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है। तो जैसा कि हमने सेंड कर दिया और हमारे मोबाइल फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है और ओटीपी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारा आधार लॉगिन हो जाता है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड आधार, आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर करें, आधार को ऑनलाइन अपडेट करें, बैंक लिंकिंग स्थिति, वर्चुअल आईडी जनरेट करें, बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक करें, लॉक अनलॉक आधार, ऑफलाइन ईकेवाईसी और भुगतान का इतिहास। जैसा कि हमें अपना आधार कार्ड में करेक्शन करना है तो हमें आधार को ऑनलाइन अपडेट करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम आधार कार्ड अपडेट करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि ऑनलाइन अगर हम आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ हम लिंक, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नाम, सिर्फ इतने ही ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें जैसा कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या बायोमेट्रिक अपडेट करना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे नज़दीकी आधार सेंटर में विजिट करना होगा। जैसा कि दोस्तों हमें सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो हम आगे आधार अद्यतन करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो पूरी जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया है तो हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना जन्म तारीख अपडेट करना है, चेंज करना है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, उस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अपना नाम, लिंग या पता जो भी आपको चेंज करना है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अपना जन्म तारीख चेंज करना है तो हम उस पर क्लिक करके आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते हैं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करंट डेट ऑफ बर्थ जो हमारा है वो शो कर रहा है, और अगर हमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है तो नीचे देखिए न्यू डेट ऑफ बर्थ टू बी अपडेटेड के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है जो हमें हमारे आधार कार्ड पर चाहिए वो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1995 वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मान्य सहायक दस्तावेज प्रकार का चयन, मतलब हमारे पास
डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का जो प्रूफ है उसके तौर पर हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पैन कार्ड है दोस्तों, तो हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर विवरण देखें और देखिए हम नीचे देखिए विवरण देखें और दस्तावेज अपलोड करे का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, हमें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, अगर आप यह दस्तावेज़ पहचान प्रमाण पत्र के लिए है तो आपके नाम पर होना चाहिए और फ़ोटो होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा हमारा प्रॉपर है, हमने पैन कार्ड अपलोड करना चाहा है तो पैन कार्ड हमारा बराबर है, वहाँ पर फ़ोटो भी है। तो हम अपना पैन कार्ड सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। दोस्तों जैसे ही हम पैन कार्ड अपलोड करते हैं, जैसे कि हमारा 100% देखिए पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। और अगला का जो ऑप्शन है नीचे राइट साइड में, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम अगला के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ यानी कंफर्म करने के लिए दिखता है कि आप सुनिश्चित हैं कि आप अपनी जन्म तिथि को 1/1/1995 में बदलना चाहते हैं, पुष्टि करने के लिए ठीक है पर क्लिक करते हैं। तो हम पुष्टि कर देते हैं ठीक है। जैसे हम पुष्टि करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पर दो टिक करना होता है, हम उसे क्लिक कर लेते हैं यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोबारा से अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर हमें कुछ यानी रॉन्ग दिखा तो हम संपादित पर क्लिक करके दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉपर है तो हम अगला पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ बैकएंड सेवाओं तक पहुँचने में अस्थायी त्रुटि यानी कुछ एरर आ रहा है दोस्तों, तो हम बैक हो गया है। देखिए बैक हो गया है तो हम दोबारा से आधार को ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर हमने यानी किया है तो वो हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आधार को अब ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे अनुरोध हमने जो किया है वहाँ पर देखो ड्राफ्ट में सेव दिखा है, तो नीचे जो ड्राफ्ट स्टेज दिख रहा है तो उस पर आगे एरो है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। कुछ एरर था दोस्तों इसके लिए बैक हो गया, तो आप करेंगे तो हो सकता है एक ही बार में वो सबमिट हो जाए, तो हम इस पे एरो पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोबारा से उसी के ऑप्शन पे पहुंच गया दोस्तों, हमने जो पैन कार्ड अपलोड किया था, तो हम दोबारा से अगला के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर लेते हैं और ठीक है पर दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अपना कंसेंट देते हैं मतलब एग्री करते हैं और अगला पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आगे यानी प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पर देखिए पे यू बीज का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसे एग्री करते हैं, हम इसके द्वारा ही पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन के लिए ₹50 का जो गवर्नमेंट फ़ी है वो हमें पे करना होगा, तो हम भुगतान करें पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम भुगतान करें पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलग अलग पेमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से हम किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम पेटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों पेटीएम में जैसा हमने प्रोसीड किया, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम QR कोड से ना पेमेंट करके अपना UPI ID से करना चाहते हैं, तो हम UPI ID सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना UPI ID डाल के पे ₹50 पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम पे ₹50 पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल पर पेटीएम का जो ऐप है उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है, हम वहां पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ₹50 पे कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम ₹50 पे करते हैं तो ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग में हो गया है, तो यहां पर देखिए पेमेंट हो चुका है दोस्तों और प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो गया, साइट पर दिख गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे पावती डाउनलोड करे का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, अगर हमें पावती चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपना पावती डाउनलोड कर सकते हैं इन फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए। तो जैसे कि हमने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, तो हम इसका प्रिंट कर लेते हैं।
दोस्तों जैसा कि हमने अब पावती का प्रिंट ले लिया है तो इसे अभी हम कट कर देते हैं और डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बाइक कर लिया है, अभी जैसा हमने जो आधार कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई किया है उसका स्थिति जानना है तो नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे जैसे ही दोस्तों नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए अनुरोध का ऑप्शन है। जैसा कि हाल ही में हमने जो भी अनुरोध किया है उसका यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर दिख रहा है। वेरिफिकेशन स्टेज पर है, यानी वेरिफिकेशन हो रहा है, कुछ ही दिन में ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हम इसे देख लेते हैं क्या है। सत्यापन का चरण और मान्यकरण मंच फिर पूरा हुआ, जैसा कि दो स्टेप अभी बाकी है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है, तो जैसे ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा हमारा आधार कार्ड, यहाँ पर स्थिति पर यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।